गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आरके सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का अगला सीरीज। अभी तक आप सभी 600 तक का फुल सॉल्यूशन देख चुके हैं फुल कंसेप्ट एंड ट्रिक के साथ। आज हम लोग 601 से देखेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। यदि कोई परेशानी है तो कमेंट जरूर करें। और इससे पहले वॉल्यूम 2 को मैं पूरी तरीका समाप्त कर चुका हूं, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लगातार देखते रहिए और आप बेस्ट तैयारी करते रहिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 601 क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शन मिलाते चलना है। दिया हुआ 2 cos θ - π/2, यहां देखिए उल्टा कंफ्यूज करने के लिए, +3 sin θ + π/2 और -3 sin θ + 2 cos θ। अब आ जाइएगा cos, यदि पाई बाई टू माइनस थीटा रहता तो पाई बाई टू 90 डिग्री होता है भाई, और cos 90 - θ sin होता, तो कंफर्म है साइन में तो बदलेगा। लेकिन चूंकि थीटा माइनस पाई बाई टू उल्टा है, और ध्यान दीजिए कॉस माइनस थीटा जो होता है, मतलब हम इसको ऐसे यदि हम इसे चाहें तो इस प्रकार से सरिया के लिख सकते हैं 2 cos - माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा, ठीक है। और हम सभी जानते हैं ये पूरा माइनस थीटा cos माइनस थीटा जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, पूरा क्वाड्रेंट मैंने पढ़ा है, तो ये बन जाएगा 2 into पॉजिटिव भी हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा, 2 cos पाई बाई टू माइनस थीटा, तो cos पाई बाई टू यानी 90 माइनस थीटा होता है साइन, यानी ये बन गया 2 sin θ, ये हो गया। अब आइए प्लस, ये पाई बाई टू प्लस थीटा बोले जाए थीटा प्लस पाई बाई टू, यानी 90 प्लस थीटा एक तरीका से इसको हम बोल सकते हैं, तो 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, साइन कॉस में बदलेगा 90 प्लस थीटा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव भी होता है, तो वो हो जाएगा +3 sin से हो जाएगा क्या कॉस थीटा, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा साइन कॉस थीटा, फिर माइनस इसको ब्रैकेट तोड़ देंगे तो 3 sin θ और माइनस यहां पर हो जाएगा 3 sin, सॉरी ये यहां पे 3 नहीं है, यहां पे अंदर में 3 है, -3 sin θ, यहां भी -2 cos θ। अब क्या है, 2 cos θ है, 3 cos θ, यहां 3 cos θ में 2 cos θ घटेगा तो 1 cos θ प्लस में, और 2 sin θ में -3 cos θ घट जाएगा, तो बचेगा 1 sin θ लेकिन क्वेश्चन में माइनस में। फाइनली हम लोग का जो आंसर आया वो है cos θ - sin θ, cos θ - sin θ, ऑप्शन से मिला cos θ - sin θ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 602 देख लीजिए। देखिए ये तो ऐसे ही मान फूट करके बना सकते हैं, a/2b = कितना है भाई 55, और a - 2b = है -13, तो b का मान, अब सिंपल है लीनियर इक्वेशन पूछ रहा है b, तो सेम करेंगे a, बोले सर ये तो सेम ही है, तो सेम है तो घटा देते हैं, चूंकि प्लस में दोनों है तो घटाएंगे, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, तो ए प्लस ए माइनस कट गया, 2b 2b 4b हो गया, आई 55 और 13 यदि हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 68, 4 से काटेंगे 17 चौका 68, यानी बी का मान हो गया 17, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 603 देख लो। यदि 10 संख्याओं का समांतर माध्य, माध्य मतलब औसत 35 है, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए तो नई श्रेणी का माध्य क्या होगा, तो पहले से 35 से प्रत्येक में 2 जोड़िएगा तो औसत में भी 2 बढ़ेगा, यानी नया माध्य जो हो जाएगा वो जाएगा 35 2 37। बोले क्यों सर, क्योंकि एवरेज में पढ़ना है, वो पॉइंट याद रखिए, जो परिवर्तन प्रत्येक संख्या में होगा सेम परिवर्तन औसत में होगा, यदि प्रत्येक में 2 वृद्धि कर रहे हैं तो औसत में भी 2 बढ़ेगा, प्रत्येक को 2 से गुणा कर रहे हैं तो औसत में भी 2 से गुणा, तो यहां प्रत्येक में 2 से गुणा हो रहा है तो पहले से माध्य दे ले 35, तो माध्य में भी 2 बढ़ जाएगा, यानी नया माध्य हो जाएगा 35 2 37, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 604 देख लो, सिंपल है। 10 वर्षों में एक निश्चित धनराशि ब्याज के किस वार्षिक दर से स्वयं के दुगना, स्वयं स्वयं माने मूलधन, आ हो जाता है माने मिश्रधन, स्वयं के दुगना माने मूलधन एक मिश्रधन दो, तो कंफर्म है ब्याज कितना बढ़ा, तो बोले सर ब्याज बढ़ा 1, कई वर्ष में 10 वर्ष में, अब तो सब कुछ दिया हुआ है ना, और साधारण ब्याज तो 7-8 क्लास से पढ़ रहे हैं कि दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 / मूलधन / समय, ब्याज हो गया 1 / 100
बटा मूलधन एक समय दस, दस से कई बार में दस बार, यानी कि ब्याज का दर भी आ गया 10%। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 605, मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कह रहा है कार एक्स तथा वाई एक ही समय पर 12 किलोमीटर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी। तो कार एक्स तथा वाई एक ही समय पर 12 किलोमीटर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यहां पर एक ही दिशा में लिखना भूल गया, इसलिए आपको लिखना चाहिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा से और फिर 16 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। कई मिनट? 3 मिनट। यहाँ एक ही दिशा लिखना चाहिए, तो 3 मिनट में दूरी पूछना है। दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। जब एक ही दिशा में चले, मतलब समान दिशा में चले, तो चाल घटता है, तो घटेगा 16 × 12 घट के कितना 4। लेकिन आप ऑप्शन देख रहे हैं कि मीटर में है, तो पहले मीटर प्रति सेकंड यानी 5/18। कई मिनट में? तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 3 मिनट के बाद बीच की दूरी, तो 3 मिनट, तो चूंकि मीटर प्रति सेकंड में सेकंड में बदलेंगे तो 60 से काट दो, काटेंगे 3 × 3 = 18, 6 × 10 = 60, तो ये 4 × 5 = 20, 20 × 10 = 200, यानी 3 मिनट में दोनों के बीच की दूरी जो होना चाहिए वो होना चाहिए 200 मीटर। क्वेश्चन सुधार लीजिए, यहाँ होना चाहिए कार एक्स तथा वाई एक ही समय पर एक ही दिशा में क्रम से 12 किलोमीटर प्रति घंटा 16 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी एक ही दिशा में होना चाहिए। तो आप विपरीत रहेगा तो चाल क्या हो जाता, जुट जाता। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर है 200 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 606 आइए। एक छात्र ने 6 विषय में 470 अंक प्राप्त किए, प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है, तो उसके अंकों का प्रतिशत क्या है? सिंपल है भाई, आपके एग्जाम में जब आप पास करते हैं मैट्रिक इंटर, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं? टोटल मार्क्स नीचे, 6 विषय है और प्रत्येक का पूर्णांक 100 है, तो टोटल 600 नीचे, प्राप्त कितना किए हैं 470, ऊपर परसेंट ज्ञात करना है 100 से, काट दो, दिक्कत क्या है? 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 6 से काट देता हूं, तो 6 से काटेंगे तो 6 × 7 = 42 बचा कितना, तो 5 × 5 = 0 = 50, 6 × 8 = 48 बचा कितना 2 × 6 = 18, फिर बचा 2 × 6 = 18, यानी कि हम लोग का आंसर हो गया 78.33। ऑप्शन से मिलाइए दिया 78.33%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 607, सभी के सभी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट और बहुत आसान तरीका से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको पढ़ने में मजा भी आए, मैथ से डरने की कोई बात नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस आप लगातार खुद भी देखिए और जितने मित्र हैं सबको शेयर करिए, बस इतना ही मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूं। कह रहा है कि 607 में कि एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 500 रुपये प्रतिवर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करता है, तो 2 वर्षों के अंत में धनराशि की परिपक्वता मूल्य, परिपक्वता मतलब होता है मिश्र धन, मतलब पूरा होने पर। फिर से, एक व्यक्ति प्रतिवर्ष 500 रुपये प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 2 वर्षों के लिए 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि पर, मतलब 500 2 वर्ष, पहला वर्ष 500 फिर दूसरा वर्ष भी 500 जमा करता है, कई परसेंट है 10% है, कई वर्ष है 2 वर्ष है, तो पूछ रहा है 2 वर्ष के बाद परिपक्वता मूल्य मिश्र धन क्या हो, तो मैं सीधा तरीका आपको बता दूं, जो शुरू में जमा किया होगा उस पर 2 वर्ष का, तो ऐसे ही आप निकाल दो 500 की तुलना 100 से 10% वार्षिक दर से, सी आई 2 वर्ष का जो होगा वो होगा 21, तो 21 से गुना प्लस, ये सॉरी हाँ प्लस, अब 500 जो बच गया जो दूसरा वर्ष जमा किए होंगे उस पर तो 1 वर्ष का ना मिलेगा, एक वर्ष का ऐसा ऐसी आई तो दोनों सेम ही होता है, तो ये भी अपने आप में 100%, लेकिन इस पर तो 1 ही वर्ष का मिलेगा, आप काट देते हैं हो जाएगा, काटेंगे 200 सॉरी यहाँ पे हम लोग का परिपक्वता मूल्य चाहिए तो 121 से करिए, यहाँ 110 से, चूंकि हमें मिश्र धन चाहिए, ये तो ब्याज निकल जाता है, ऐसे ब्याज निकाल के भी 1000 में जोड़ सकते थे, तो यहाँ 200 × 200 और 121 5 तो 500 × 605 हो जाएगा प्लस, यहाँ 200 × 200 यहाँ 11 × 5 = 55 550 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 × 5 = 1155, यानी हम कह सकते हैं कि 2 वर्षों के बाद परिपक्वता मूल्य होना चाहिए 1155 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 608, मजेदार क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन। कह रहा है कॉट 52 डिग्री बराबर बी है, तो टैन 38 डिग्री बराबर क्या होता है? बोलिए सर यही तो होगा,
क्योंकि बावन को ही तो हम लिख सकते हैं कट, बावन को लिख सकते हैं 90 माइनस 38, कट 90 माइनस थीटा टेन में बदलता है, ठीक है ना। तो यहाँ कट ओ हमें टेन 38 का मान पूछना, तो टेन अर्थ या तो इतना बराबर भी दिया हुआ है, रहने दीजिए ऐसे भी तो निकल ही जाएगा, कट 90 माइनस थीटा क्या होगा टेन थीटा, तो ये बन जाएगा टेन 38 और टेन 38 बराबर बी, यही तो पूछ रहा है कि टेन 38 का मान क्या होगा, तो यहाँ भी टेन 38 का मान भी बी ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 609, यदि एक आयत की लंबाई एल सेंटीमीटर चौड़ाई बी सेंटीमीटर 25% बढ़ा दी जाए, ओ मतलब दोनों में, तो पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। करा एक आयत की लंबाई एल सेंटीमीटर और चौड़ाई बी सेंटीमीटर 25% बढ़ा दिया जाए, लंबाई एल सेंटीमीटर और चौड़ाई बी सेंटीमीटर 25% बढ़ा दे पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफल में क्या। तो पहले तो हम सभी जानते हैं दिया हुआ है लंबाई कितना है, लंबाई है कैपिटल है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है बी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एल गुना बी, ठीक है। अब क्या कहते हैं बाद में, ये पहले था, बाद में 25% बढ़ा दिए, तो 25% के मतलब होता है 1/4 की वृद्धि, तो कोई राशि पहले से एक रहा था उसमें 1/4, 25% मतलब 1/4 बढ़ाएंगे तो वो अपने आप का 5/4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5L/4, ये हो जाएगा 5B/4। अब जो नया क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 5L/4 अगुना 5B/4, यानी मिला के हो गया 25L/16। तो पूछ रहा है बताइए कि तो पुराने तथा नए आयत के क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा, अंतर तो अंतर निकालना है, तो क्या करेंगे बाद वाला चूंकि बढ़ गया होगा, तो 25L/16 में ई वाला पहला वाला घटा देंगे, एल बी एल गुना बी माने एल बी, एलसीएम एक नीचे 16, इधर 25L/16 आई एलसीएम उधर गुना होगा 16L/16, 25L/16 में 16L/16 घटेगा 9L/16, यानी हम लोग का जो आंसर होना चाहिए कि पुराने और नए वाले जो आयत है क्षेत्रफल में अंतर वो होना चाहिए 9L/16 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत छोटा क्वेश्चन है और आसान भी, दो संख्याओं का गुणनफल 24 और उसके वर्गों का योग 52 है, तो योगफल ज्ञात करें, मतलब संख्या एगो x और y मानी, इसका गुणनफल यानी x / y जो है वो है 24 और बोल रहा है वर्गों का योग 52 है, x² + y² बराबर क्या है 52 है, तो ऐसा करते हैं बोल रहा है उसका योगफल, या तो हम x + y का होल स्क्वायर लेकर चल सकते हैं, या दूसरा तरीका है कुछ ऐसा मान पुट कर दीजिए कि गुना करके 24 स्क्वायर करके 52, तो हमें लग रहा है 6 और 4 करिए ना आधा चाहिए, 6 चौका 24 और 6 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 36 और 16 52 हो ही रहा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि x + y निकालना है, तो x का मान 6 y का मान 4 या x 4 y 6, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, यही तो हो गया डायरेक्ट, बस थोड़ा सा सोचना है x + y का मान 10, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 611, 25 मदों का औसत 40 है परंतु एक मद 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, वास्तविक माध्य क्या है। सिंपल बात है, पहले भी बताएं 25 का माध्य 40 है, लेकिन एक है वैसा है जो 50 के स्थान पर 25 लिखा गया, मतलब सही 50 था लेकिन लिखा गया है गलती से 25, कितना कम लिखा है 25 कम लिखा है, तो ऐसा प्रॉब्लम भी हम आपको बताए थे कि डायरेक्ट शुद्ध करना है यानी सही औसत सही माध्य या वास्तविक माध्य, तो पहले वाला में सुधारना है, पहले से माध्य कितना था 40, आप गलती से 25 कम लिख दिए तो इसको सुधारने का एक ही तरीका है 25 बढ़ाएंगे, लेकिन जो बढ़ेगा वो सब में बटेगा, तो सब मतलब कई गो है संख्या 25 से 25 40 और 41, मतलब वास्तविक माध्य जो होना चाहिए वो होना चाहिए 41, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 612, बहुत मजेदार क्वेश्चन, टाइमर का ई तथा एफ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और ई अकेला उसी काम को 30 दिन में, तो बताएं एफ अकेला, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हैं, समय दिया हुआ सबसे पहले क्षमता, जिनसे ये सभी भी क्वेश्चन छूट जाता है प्लीज मास्टर वीडियो का टाइमर का आप जरूर देख लीजिए ताकि आपसे ये सब क्वेश्चन नहीं छूटे। रेशियो क्षमता निकालना आसान होता है, समय के उल्टा होता है, 30 इधर 10 इधर 3:1, ई एफ मिला के 3, ई का एक तो कंफर्म है एफ का 2, किसी एक को लेकर चलेंगे 30 तो एफ 2 का क्षमता से डी में,
15 दूनी 30, यानी एफ अकेले करेगा तो 15 दिन में कर देगा। हम लोग का आंसर आया 15 दिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 613 देख लो, कहता औसत ज्ञात करें। तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। आपको कुछ नहीं करना है, 1 9 7 3 5 5 6 4 2 8 सबको जोड़ के जाएगा उतना से भाग, ये तो एक बच्चा भी कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 614 देख लीजिए, माता पिता तथा दो बच्चों के औसत आयु 30 वर्ष तथा 8 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु। सिंपल है भाई, माता पिता तथा दो बच्चों की औसत आयु, तो माता पिता मिला के दो हुआ जिनका औसत 30 है, और दो बच्चे उनका औसत 8 है, तो बोला पूरे परिवार की औसत आयु। तो औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या। आप चाहे तो ऊपर वाला काट भी सकते हैं, तो 30 इकाई 30 प्लस 8 इकाई 8 और बटा 1 अव 1 2, 30 और 8 38 बटा 2, मतलब पूरे परिवार की जो औसत आयु है वो है 19 वर्ष, पूरे परिवार की औसत आयु हो गया 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 615, अब देखने में तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बड़ा बड़ा दिया है, लेकिन इजी वे में छाट के आंसर मार देना। त्रिभुज से संबंधित विषम कथन ज्ञात करें, विषम मतलब जो सही नहीं है, मतलब गलत। तो पहला ऑप्शन है सबसे लंबी भुजा सबसे बड़े कोण के विपरीत होती है, ये तो सही है, कोई त्रिभुज है ना, सबसे बड़ा कोण जितना बड़ा कोण रहेगा उसका सामने वाला भुजा सबसे लंबा होगा। आगे, त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर सम्मुख अंतिक कोणों का योग। ये भी आप पढ़ेंगे कि त्रिभुज के मान लीजिए बाह्य कोण है उस सम्मुख मतलब उसके सामने वाले दोनों अंतिक कोणों के योग के बराबर होता है, लेकिन हमें तो विषम छाटना है, मतलब गलत। कोई दो भुजा का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ये भी सही। त्रिभुज तभी संभव है जब आप दो भुजा जोड़िएगा तो तीसरी से अधिक होगा, यदि कम या बराबर हो गया त्रिभुज संभव नहीं। तो तीन को तो सही हो गया, तो निश्चित है गलत तो चौथे ऑप्शन होगा, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग का योग बराबर होता है, ऐसा सभी त्रिभुज में संभव नहीं है, ये सिर्फ समकोण त्रिभुज में संभव होता है कि दो भुजाओं का मतलब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है, सिर्फ समकोण में, सब में नहीं होता, इसलिए हम लोग का गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 616 से 18, ये तीनों क्वेश्चन आपको ही बनाना है। आपको पता है इस प्रकार का टेबल हम लोग पहले भी बना चुके हैं, कुछ नहीं करना। श्याम सुनील जगदीश राजेश भौतिकी रसायन गणित इतिहास भूगोल में प्राप्त अंक है, एक बार ऐसे हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल जोड़ दीजिए, उसके बाद बारी बारी से आंसर लिख दीजिए। 616 का था औसत अधिकतम अंक किसने प्राप्त की, तो श्याम सुनील जगदीश राजेश को जोड़िए, जो जोड़ के ज्यादा है उसी का औसत ज्यादा होगा, बस हो गया आंसर। उसी प्रकार से 617 है, सुनील जगदीश के कुल प्राप्तांक का अंत है, तो जोड़िए तो आप दिए सबको जोड़ ही दिए पहले ही क्वेश्चन में, आप दोनों को सुनील और जगदीश का अंतर निकाल दीजिए। उसी प्रकार से है 18 इतिहास और भूगोल दोनों में किसके प्राप्तांक अधिकतम है, तो जोड़े हैं तब आपको इस प्रकार से भी जोड़ने बोले, तो इतिहास और भूगोल में जिसका अधिकतम रहेगा सबसे ज्यादा उसी का हम लोग आंसर मार देंगे। 100% आपको समझ में आना चाहिए और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, आपसे बनेगा इसलिए मैं छोड़ रहा हूं, ऐसा बहुत पीछे बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 619 कहता है एक व्यक्ति 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा, गति मतलब होता है चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। कहता है दूरी है 1 किलोमीटर और 10 मिनट में, लेकिन मिनट को घंटा बदलना है तो 60 से भागा देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि उसका जो चाल होगा वो होगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी यहां पे क्या बोल रहा है गति किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें तो इसका आंसर तो यही होना चाहिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन गलत दे दिया। यदि मीटर प्रति सेकंड में पूछता है तो भले हम ज्यादा से ज्यादा इसको कर सकते हैं 6 × 5/18, 6 × 3 = 18, 5/3 इसको भागा देंगे तो हो जाएगा 3 × 1 = 3, बच जाएगा कितना 2, तो 6 × 3 = 18 फिर बच जाएगा, तो इस प्रकार से 7 भी हम दे सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। यदि मीटर प्रति सेकंड में पूछता तब हम लोग का आंसर यहां पर देखिए सी दे दिया है 1.67 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा में हम लोग का आंसर 6 ही होगा, मीटर प्रति सेकंड में पूछा तब होगा 1.67। 100% आपको समझ में आ गया होगा, बाकी एग्जाम में तो सही आंसर ही रहेगा, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 620 बहुत आसान क्वेश्चन, 3 6
9 तथा 14.1 का चतुर्थानुपाति ज्ञात करें। ओ यहाँ पे गलती से लिखा गया 3.6 आई 6 कॉमन है 6.9 होना चाहिए एंड 11.4 होना चाहिए। आप मेरे जो आप कोर्स मैं करवा रहा हूँ उसमें आप पढ़ रहे होंगे ठीक है ना, तो अनुपात समानुपात में आपको चतुर्थानुपाति तृतीयानुपाति मध्यानुपाति पढ़ा चुके हैं। इसको ये इसको भी इसको सी माना जाए तो आप सभी को याद भी होगा कहीं भी पढ़े हुए तो भी कि चतुर्थानुपाति बराबर होता है बीसी बटाई बी हो गया 6.9 गुना सी हो गया 11.4 अब बटाई हो गया 3.6। अब क्या है बस इसको काटना है और आंसर मारना है। एक एक से तो एक कट गया ये 23 तिहाई 69 और ये 12 तिहाई 36। उसके बाद में 2 से काटने का प्रयास करते हैं 6 दुनी 12 यहाँ 2 से काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा हम लोग का 5 दुनी 10 7 दुनी 14 लगता है 3 से भी कट जाएगा 3 दुनी 6 और 19 तिया 57 लेकिन एक के बाद 10 रहेगा ही। अब गुना कर देते हैं 19 तिया 57 के साथ बचा 5 और 19 दुनी 38 और 5 43 और एक अंक के बाद 10। अब बटा में 2 फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दुनी 4 उसके बाद 2 एक 2 दशमलव है तो 10 बच गया 1 1 पर 7 17 2 2 16 2 5 10 एक्चुअल में हम लोग का जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 21.85 21.85 को ही लगभग में लिख दिया गया है 21.9 ऑप्शन से मिला सकते हैं। जब ऐसा ऑप्शन आ जाए तो डरना नहीं है देख लेना कि लगभग में क्या तो 21.9 चतुर्थानुपाती होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 621 देख लो। 4 वर्ष के अंतराल से जन्मे 4 बच्चे की आयु का योग 48 तो सबसे छोटे बच्चे आप या तो ऑप्शन से चल दो या सबसे छोटा x मान लो तो अगला x प्लस 4 अगला x प्लस 8 और अगला x प्लस 12 4 वर्ष के अंतराल हो गया देखिए 4 बढ़ रहा है इस सब का जो योगफल है वो है 48 है तो पूछ रहा है क्या सबसे छोटे बच्चे मैंने x का मान पूछ रहा है तो x और x मिला के 4x बराबर 4 और 8 12 और 12 24 24 उधर जाके घटेगा 48 में तो बचा कितना 24 4 से काटेंगे 6 चौक 24 x का मान 6 यानी सबसे छोटे बच्चे की आयु 6 वर्ष हो गया ऑप्शन से मिलाइए 6 वर्ष ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 622 माध्यमाधिका बहुलक मैं आपको पहले बोल दिया और स्टैटिक्स का मेरा 4-5 वीडियो को देख लीजिएगा ये सब देखते ही बना लीजिएगा। माध्य बराबर योगफल बटा संख्या 2 2 4 2 6 6 को जोड़ के 6 से भाग 100% बनाना है इग्नोर आपको नहीं करना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 623 देख लो कितना आसान है 16 और 24 का मासा और लहसा निकालना है 16 और 24 तो देखते ही आप बोल दीजिए कि सर मासा मैंने बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर और लहसा मतलब छोटा से छोटा इसका गुणनखंड तो मासा तो कॉमन क्या है तो लगता है 8 है 8 2 16 8 24 मासा 8 हो गया एंड लहसा तो 16 24 से कटने वाला कॉमन संख्या बड़ी संख्या क्या है 48 तो हम लोग का आंसर हो गया मासा 8 लहसा 48 तो ये तो पूछ रहा है मासा और लहसा 8 48 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 624 बहुत मजेदार क्वेश्चन है आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 वो 3 कोणमितीय निष्पत्ति का 0 से 90 तक मान याद रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन तो कंफर्म है इस पे आएगा ही तो cos स्क्वायर 90 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री। अब cos स्क्वायर cos 90 का मान 0 होता है आपको पता होना चाहिए तो cos 90 का मान 0 0 का स्क्वायर 0 cosec 90 का मान 1 होता है क्योंकि sin 90 का मान 1 होता है sin का उल्टा cosec तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस cot 45 का मान 1 होता है 1 का स्क्वायर 1 0 तो 0 है 1 में से गया फिर भी बच गया क्या 0 यानी यहां पे भी हम लोग का आंसर 0 होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 625 मजेदार क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन आसान के एक राशि के एक आदमी है एक राशि एक वर्ष के लिए एक निश्चित साधारण ब्याज की दर लेने के लिए सहमत हुआ लेकिन ऋणदाता ने ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जो 120 रुपये बनी मूलधन की राशि क्या है तो एक वर्ष के लिए उधार ले रहा है लेकिन 3% की वृद्धि हो गई ब्याज में जिसके कारण उसको 120 रुपया अधिक देना पड़ा तो यहाँ 3 1 3 3% वृद्धि हुआ तो एक वर्ष में 3 अधिक है 120 अधिक मूल राशि निकालना है तो कैसे 100 से 3 चौक 12 40 बार में 40 पर 2 0 मतलब कि मूल राशि जो उधार ले रहा था वो 4000 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 626 देखिए। एक व्यापारी 10 किलो चाय 400 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी, उसने आधी मात्रा 20% डाली पर और शेष 10%, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि। 10 केजी 400 रुपए प्रति केजी, हालांकि जब परसेंट दिया रहे, परसेंट पूछे तो निश्चित राशि का प्रयोग करने से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ क्या बोल रहा है, आधी मात्रा 20% और शेष, तो टोटल 10, जिसका आधी 5 होगा तो शेष भी तो 5 ना बचेगा, आधी बचेगा, तो आधी मात्रा को बेचा है 20% हानि पर। हानि मतलब समझ जाना है माइनस 20% हानि पर, और शेष जो आधी बचा है उस पर 10% लाभ, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या होगा। तो सिंपल है भाई, ऊपर काट दो, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 10, अलग अलग दिया हुआ पूरे का पूछ रहा है तो सीधा गुना कर दीजिए, 20 × 20 लेकिन माइनस में, 10 × 10 लेकिन प्लस में, पूरे का निकालना है तो 1 1 इसमें 10 प्लस में, तो घर के माइनस 10, अब बटन दो काटेंगे, माइनस 5 आ गया, मतलब हो गया 5% की हानि। माइनस के मतलब ये होता है हानि, तो 5% हानि होगा। ऑप्शन सिमिलाई ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 627। एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल लेने से, ऐसा क्वेश्चन पहले ही बताया, प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है, तो संख्या के अंकों के बीच अंतर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं सिंपल तरीका, बेसिक में ही पढ़ना है कि दो अंकों की संख्या को जब हम उलटते हैं तो एक नई संख्या प्राप्त होता है, उसका अंतर हमेशा 9 से कटता है, और 9 से भाग देने के बाद हमेशा अंकों का अंतर प्राप्त होता है। जैसे यहां देख लीजिए, मान लीजिए कि 26 है, इसको उलटे तो 62 होगी, इसका आप अंतर करके देख लीजिए, 12 में 6 गया 6, और यहां पे बचेगा 36, ये 9 से कट रहा है, एकदम निश्चित है 9 से कटेगा, नहीं कटेगा तो ऐसा संख्या संभव नहीं है, तो जो कटेगा वो अंकों का अंतर हो जाता है। देखिए यहां 4 है, देखिए अंकों का अंतर 4, अंकों का अंतर 4, बोले ऐसा क्यों सर, क्योंकि देखिए आप इकाई अंक 22 और दहाई अंक x मानते हैं तो संख्या हो जाता है 10x + y, चूंकि दहाई को 10 से इकाई को 1 से गुणा करके जोड़ते हैं, और जब उलटते हैं तो नया संख्या बन जाता है 10y + x, उसके बाद जब ये दोनों का अंतर करते हैं तो 10x में से x गया 9x, 10y में से y गया 9y, ठीक है। यदि हम 9 कॉमन लेंगे तो x - y, देखिए x - y जो हुआ वो अंकों का अंतर हुआ, और उसके बगल में हमेशा क्या है 9 है, इसलिए बराबर में जो भी रहेगा उसमें आप करिएगा क्या, 9 से भागी दीजिएगा, यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर 54 दिया हो तो यहाँ भी आप 54 दीजिएगा, 54 तो 9 × 6 = 54, यानी अंकों का जो अंतर आया वो कितना है 6। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमेशा माइंड में फिट कर लीजिए कि किसी दो अंकों की संख्या और उसका उल्टा करेंगे तो एक संख्या और बनेगा, वो दोनों संख्या का अंतर हमेशा 9 से कटेगा, योगफल हमेशा 11 से कटता है, और 9 से जितना बार न कटता है वही अंकों का अंतर होता है। बोले सर इतना करने की जरूरत ही नहीं है, 9 से कटता है तो 9 × 6 = 54, अंकों का अंतर 6 हो गया, ऑप्शन से मिला लीजिए अंकों का अंतर 6, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 628। तो आपको बनाना है सिर्फ बाई का मान 5 पुट कर देना, उसके बाद कैलकुलेशन कर देना है, आपको पता ही होगा बाई का मान 5 रखना है, फिर 5 × 4, फिर 5² फिर -5, कैलकुलेशन करके आंसर आपको कमेंट में देना, आसान है इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 629 देख लो, दो संख्याओं का लसा 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3, तो योग क्या है, दोनों संख्याओं का अनुपात है 2:3, और लसा 66 रेशियो का नियम, तुलना कर दीजिए, 2 और 3 का लसा होगा 2/6, तो एलसीएम की तुलना एलसीएम से पूछ रहा है, दोनों संख्याओं का योग 2, 3, 5 से, 66 11 5 5, दोनों संख्याओं का योग होगा 55, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 623 बहुत आसान, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 34 और उनका अंतर 8 है, तो उनके गुणनफल, मान लिया हम एक संख्या बाई दो धनात्मक पूर्णांक जिसका योग क्या है x + y कितना है 34, और उनका अंतर x - y क्या है वो है 8, तो पूछ रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये सिर्फ यहां की बात नहीं, कहीं भी कैलकुलेशन में दो संख्याओं का एक बार योगफल और एक बार अंतर आ जाए तो बड़ा यहां कौन है, तो बोले सर बड़ा x है क्योंकि x दोनों तरफ प्लस, छोटा बाई है, तो एक बड़ा निकालना तो दोनों को जोड़ के आधा, छोटा निकालना दोनों को घटा के आधा, 34 और 8, तो बोले सर 34 और 8 हो जाएगा 42 बटा 2, मतलब एक संख्या 21 हो गया। दूसरा 34 में से 8 घटेगा
तो हो जाएगा कितना, तो बोले सर वो हो जाएगा 26, 26 में 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 13। अब पूछ रहा गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, बड़ी संख्या पूछता तो 21, छोटी संख्या 13, गुणनफल पूछ रहा 21 गुना 13, 13 का 13 के 3 बच गया 1, 13 दुनी 26, 1 27, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा 273 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 631 देखिए। 2.5 मीटर चौड़ाई का 1 फुट पाथ एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है के चारों ओर है। बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है ज्ञात करें। यहां भी देख लीजिए, सबसे पहले तो एक बगीचा है जिसका लंबाई कितना है 10 मीटर, चौड़ाई कितना है 8 मीटर, उसके बाद इसके चारों ओर एक फुटपाथ शामिल है, फुटपाथ जिसको बोल सकते हैं, जिसकी चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो चौड़ाई दिया हुआ है 2.5, तो निश्चित है इधर भी 2.5 होगा, इधर भी 2.5 होगा और इधर भी 2.5 होगा। अब हम लोग से बहुत आसान कर दिया इस क्वेश्चन को, बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी, फुटपाथ को शामिल करके बगीचे का क्षेत्रफल बताइए, तो सिंपल हो जाएगा। बोले सर लंबाई बढ़ जाएगा, 10 तो है, ढाई इधर बढ़ जाएगा तो 5, तो 10 और प्लस 5 बढ़ के कितना हो जाएगा 15 मीटर। आ इधर देखिए ये 8 है और प्लस ढाई बढ़ जाएगा 5, 8 5 13 मीटर। हम लोग से पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल मतलब रास्ता सही, फुटपाथ सही क्षेत्रफल, यानी आप कह सकते हैं टोटल क्षेत्रफल, तो होगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो टोटल लंबाई 15, टोटल चौड़ाई 13, 13 गुना 15 195 होता है। ऑप्शन से मिलाइए 195 आपका है, 195.00 है वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 632 मजेदार क्वेश्चन है इसका। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो दो बहनों के आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। अब अंतर तो हमेशा बराबर ही रहता है, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, बड़ी बहन की आयु क्या है। सबसे पहले तो पिता कई वर्ष के हैं, 54 वर्ष के। अब उसके बाद कहता है दो बहनों की आयु के बीच अंतर 4 है, बात आगे पढ़ते हैं, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं तो माँ की आयु कितना हो जाएगा 52 वर्ष, क्योंकि पिता 2 वर्ष बड़े हैं तो माता 2 वर्ष छोटी होगी, तो पिता 54 वर्ष के तो माता 52 वर्ष के। उसके बाद बोला छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, तो छोटी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, तो आधी है तो 52 की आधी कितना हो जाएगा 26 वर्ष, छोटी बहन की आयु 26 वर्ष है और दोनों बहन की आयु का अंतर 4 वर्ष शुरू में दे दिया है, इसलिए बड़ी बहन की आयु क्या होगा, तो बोले सर बड़ी बहन इससे 4 वर्ष बड़ी होगी, अंतर का मतलब बड़ी वाली बड़ी होगी, तो 4 बड़ी यानी कि 30 वर्ष। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, तो पूछा जा रहा है बड़ी बहन की आयु क्या है, पता लगाएं तो हो गया 30 वर्ष, छोटी बहन 26 वर्ष, माता 52 वर्ष, पिता 54 वर्ष दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ उसको लेकर चलेंगे आराम से ज्ञात हो जाएगा, आंसर हम लोग का हो गया 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 633 मजेदार क्वेश्चन। एक कार प्रारंभ के 30 किलोमीटर 60 की गति से तय करती है, अगले 20 किलोमीटर 80 की गति से, तो पूरी यात्रा में औसत चाल, हम सभी जानते हैं कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी और बटा कुल समय, जब अलग अलग दूरी दिया हुआ हो तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो पहला 30 किलोमीटर गया है और दूसरा फिर 20 किलोमीटर गया है, ये कुल दूरी हो गया, लेकिन कुल समय दिया हुआ, यहां चाल दिया हुआ, तो समय हमें निकालना पड़ेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो 30 गया है 60 की चाल से और फिर बाद वाला 20 गया है 80 की चाल से। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देखिए 30 का है 30 दूनी 60, 20 का है 20 चौका 80, तो ऊपर हो गया 30 और 20 50 और 2 और 4 कैल्सियम 4 ऊपर उलट के चल जाएगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 एक 2, 4 में 4 से भाग देंगे 1, 2 1 3, यानी कि 50 चौके 200 बटा 3, 200 बटा 3 करिए तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 66.2/3, मतलब 66.67 हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 66.67 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 634 देख लो। 3 विषय में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंक का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3, स्कूल ने प्रत्येक विषय के 5% ग्रेस अंक देने का फैसला किया, तो छात्र के नए अनुपात फिर तो वही होगा, क्योंकि 5% ग्रेस देगा, मैंने 5% वृद्धि करे तो सब में ना 5-5 बढ़ाएगा, तो सब हो जाएगा अपने आप का 105%, फिर ये भी अपने आप का 105%,
ये भी अपने आप का एक सौ, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% तो पहले से ही था, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 1:2:3 ही रह जाएगा हम लोग का आंसर हो गया 1:2:3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 635 देखिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिर्फ देखने में बड़ा लिखा हुआ है। एक आदमी ने 3000 रुपए में साइकिल खरीदी और 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। उसने मूलधन और ब्याज मतलब मिश्र धन 12 किस्तों में लौटाया प्रत्येक किस्त का मान, तो पहले तो मूलधन और ब्याज मिला के मिश्र धन होता है, तो पहले मिश्र धन निकाले थे। 3000 की तुलना 100 से, 12% वार्षिक दर से, 12 किस्त मतलब एक वर्ष में हो जाएगा 12, तो 12 तो ब्याज हो जाएगा, तो मिश्र धन 112, 200 गुणा करेंगे 0, 3 × 2 = 6 और 11 × 3 = 33, ये हो गया पूरे राशि मिश्र धन। हम लोग से पूछ कर रहा है प्रत्येक किस्त का मान, तो बोलेगा कि सर प्रत्येक किस्त मतलब हमें 12 से भाग देना पड़ेगा, तो हो गया कितना 33/60 और बटा कितना 12, 12 से काटेंगे 12 × 2 = 24 बचा कितना, तो बोले सर 6 × 3 = 9, 12 × 8 = 96 बच गए 0, यानी एक्चुअल में हम लोग का आंसर होना चाहिए 12 किस्त में चुकाना चाहेगा तो प्रत्येक किस्त का मान हो जाएगा 280। ऑप्शन से मिलाइए प्रत्येक किस्त का मान 280 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 637 आसान क्वेश्चन। एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंक गणितीय माध्य 58 है, उनमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 है, तो पूरे कक्षा था, पूरे कक्षा मतलब टोटल अपने आप में परसेंट का चर्चा हुआ है, तो कुल विद्यार्थी 100 मानेंगे, पूरे का माध्य 58, इसमें से जो 20% छात्र है उसका औसत है 60, अगला 30% जो छात्र है उसका औसत है 40, तो बाकी जो बचा, तो बोले सर 100 में 20 30 50, तो बाकी 50 बचा, तो इसका औसत क्या होगा, तो इसका सिंपल तरीका है कि पहले ऊपर वाला काट दे 0 0 0 एक का वो कटेगा, टोटल में से ये वाला घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वो शेष का बचेगा, आप ऐसे कर सकते हैं, तो सीधा कर दीजिए, शेष का निकालना है तो 58 × 10 = 580 माइनस 60 × 120 माइनस 40 = 120 और निकालना है इसका, तो 5 से 5 580 में 120 120 240 घटेगा, 580 में 240 घटेगा तो बचेगा 340, अब बटा 5, 5 से भागा देंगे तो 68% यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का आंसर, 340 में 5 से भागा दीजिए 68, यानी जो बाकी जो बचा उन छात्रों का प्राप्त अंकों का जो औसत होगा माध्य होगा 68, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 437 39, फिर तीन क्वेश्चन आप ही के लिए छोड़ूंगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ जोड़ घटाव, बच्चा भी बना देगा समझ जाएंगे, तो निम्नलिखित 5 राज्यों में जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा को दर्शाता है, आपको क्या करना है कि जो टेबल दिया है एक बार हॉरिजॉन्टल टोटल जोड़ देना है, जैसे 1100 1100 तो 2200 1000 3200 1200 1400 लिख देना, फिर उसी प्रकार से सबको जोड़ देना और एक बार वर्टिकल जोड़ देना, उसके बाद आंसर फटाफट मार देना है। 637 किस राज्य में सबसे कम औसत वर्षा हुई, तो जिसका योगफल सबसे कम हो, ऐसे करके आप जोड़े हैं ना, तो जिसका कम होगा वो आंसर हो जाएगा, उसी प्रकार से 38 39 भी आपको इजी वे में बना लेना है, आराम से बस जोड़ दिए हैं बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 640 भी आप ही को बनाना है क्योंकि चतुर्थानुपाती मैंने अभी बताया, चतुर्थानुपाती बीसी बटा ए, ए ए का 9 दे, बी का 17, सी का 27, आपको आंसर इसका कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 बहुत आसान, करा 18 16 22 13 वाट का माध्य जो है वो है 16, हम सभी पहले से ही पढ़ जा रहे हैं माध्य बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या बराबर दिया हुआ है 16, योग मतलब जोड़ेंगे 18 16 34 22 56 56 13 69 69 प्लस वाट अब बटा 5 है बराबर 16, तिरछा गुना करेंगे तो 69 + 8 = 16 बचे 80, अभी 69 उधर जाके 80 में घटेगा तो वाट बराबर बचेगा 11, यानी यहाँ पे वाट का मान 11 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 642 रेगुलर आप देखते रहे, आपको मजा भी आ रहा होगा और मैं कुछ कुछ क्वेश्चन लीजिए आप इसलिए भी छोड़ देता हूं क्योंकि बहुत सारा मैं क्वेश्चन का मैं एक एक करके सॉल्यूशन वॉल्यूम 2 का भी करवा चुका हूं, तो आप में तो एक्सपीरियंस इतना ही गया होगा और खुद से बनाएगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत होती है, 5 आदमी काम पर नहीं आते, बाकियों ने काम को 40 दिन में,
तो आदमी जो मूलतः काम करने के लिए सहमत है उनकी संख्या। क्वेश्चन बेहद आसान है, सिर्फ बड़ा लिखा। मान लिया जाए कि निश्चित संख्या हम एम मान लिए, एम आदमी जो है 20 दिन में कर सकता था, लेकिन उसी पांच आदमी नहीं आए, मतलब एम माइनस पांच, जिसके कारण काम हुआ 40 दिन। बस यही तो है, काम तो वही है, इसलिए बराबर एम आदमी हम माने 20 दिन में कर सकता था, लेकिन पांच आदमी नहीं आए, एम माइनस पांच 40 दिन में, 20 दुनी 40, एम बराबर ब्रैकेट तोड़ेंगे 2m माइनस 5 दुनी 10, एम उधर जाके घटेगा 10 इधर आ जाएगा, बच जाएगा एम बराबर 10, यानी कि आदमियों की निश्चित संख्या जो शुरू में था वो 10, ऑप्शन से मिलाई ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 643, आसान क्वेश्चन, सिर्फ बड़ा लिखा हुआ है। एक दुकानदार ने 10 किलो चावल 20 किलो चीनी क्रमशः 75 रुपया, 10 केजी चावल 20 केजी चीनी क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले ये वाला 75 रुपये, 75 रुपये प्रति किलो, और ये 85 रुपये प्रति किलो, किधर से खरीदे? बिक्री पर उसे चावल पर 20% और चीनी पर 10% लाभ, तो कुल बिक्री मूल्य कितना? सिंपल है, कुल बिक्री मूल्य पूछ रहा है, सीधा सीधा गुना कर दो, पहले तो 75 गुना 10 750 क्रय मूल्य हुआ, इसकी तुलना 100 से, लेकिन कह रहा है क्या, चावल पर 20%, तो चावल पर 20% तो 120 प्लस यहाँ 0 पांदुनी 10 के 0 बचा 1 आवार दुनी 16 1700 हुआ, ये भी अपने आप में तो 100% है, तो 1700 की तुलना 100 से, ये हुआ चावल का विक्रय मूल्य। चीनी का विक्रय मूल्य, चीनी पर कई परसेंट लाभ, 10%, तो गुना 110 से लाभ हो रहा है, तो 100 में जोड़, ये चावल का टोटल विक्रय मूल्य चीनी का, इसको हल करिए, गुना करिए, उसके बाद जोड़ दीजिए, आपका आंसर आएगा, कमेंट में आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 644, सिर्फ इधर क्वेश्चन बड़ा वाला लिखा हुआ है। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, मतलब आप कह सकते हैं कि पहले से उसका गति है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, बाद में गति हो जाए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें क्वेश्चन ही कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक तय करती है वास्तविक दूरी, यहाँ 20 अधिक, यहाँ कितना अधिक, 10 अधिक, वास्तविक दूरी मैंने शुरू वाला चाल से, तो कैसे 50 काट दीजिए 150 दूनी 100, यानी वास्तविक जो दूरी उसका है वो है 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 645, देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बस ध्यान देना है थोड़ा। 28 मीटर व्यास है, जैसे व्यास 28 है तो त्रिज्या 14 मीटर, तो पूछ रहा है इस मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी, जबकि शुल्क है 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल निकाल के 125 से भाग दे देंगे, खर्च बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल गुना 125, अभिरित का क्षेत्रफल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14 गुने 14 और गुना 125, पाई का मान 22/7 गुना 14 गुना 14 गुना 125, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, इसका कैलकुलेशन करके आपको आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 646, सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर, यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, 3 किलोमीटर फिर 4 किलोमीटर है फिर 3.5 किलोमीटर है फिर 5 किलोमीटर है और फिर 4.5 किलोमीटर है, सोमवार से शुक्रवार बोला है तो एक दिन और होना चाहिए, यहाँ बोल कह रहा है दो दिन में उसे कितनी दूरी तय करनी होगी, यदि प्रति सप्ताह उसका प्रतिदिन का औसत 4 है तो 5 दिन का दिया हुआ, सुबह की सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तो 1 2 3 4 5 अच्छा जोड़ देते हैं 3 और 4 7 7 और 5 12 ये वाला 3.5 और 4 कितना हो जाएगा 8 अच्छा 12 8 20 चलिए कोई बात नहीं यहाँ टोटल योग हो गया यहीं पे बन जाएगा 12 8 20 और इधर जो बाकी पूरे पूरे सप्ताह का 7 दिन का जो औसत है वो है 4 और इधर जो 5 दिन का हम लोग टोटल योगफल निकाल लिए हैं वो है 20 तो बोल रहा है शेष दो दिन तो बोले कि सर ऐसा करते हैं ना टोटल एक सप्ताह हो जाएगा 128
उसमें इधर 5 दिन का 20 घटा देते हैं, यानी शेष 2 दिन में 8 किलोमीटर होना चाहिए। तो यही तो पूछ रहा है कि शेष 2 दिन में उसे कितने किलोमीटर तय करना चाहिए पूरे सप्ताह का, तो हम लोग का आंसर होना चाहिए 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 647, देख लो ये तो फॉर्मूला है भाई, ए माइनस फोर के होल क्यूब। हम सभी को पता होगा, पहले भी मैं बता चुका हूं, ए माइनस बी के होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस 3a² b + 3ab² - b³। इसी पर आपको तोड़ना है, तो ये क्यूब माइनस 3a² × b² + 3a × b² मतलब 4 के² और माइनस बी क्यू मतलब 4 के³। अब आंसर लिख दीजिए, एक क्यूब माइनस 3×12a² + 4² 16 48a - 64। एक क्यूब 12a² 48a - 64, ऑप्शन से मिला लीजिए। एक क्यूब माइनस, यहाँ ऑप्शन देख के आपको मानना होगा, एक क्यूब माइनस 12a² + 48a - 64 है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 648, बहुत आसान क्वेश्चन। 5000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% की साधारण ब्याज तथा समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के परिपक्वता मूल्य का अंतर क्या होगा। सिंपल है भाई, 5% 2 वर्ष में जो ब्याज का अंतर होगा वही मिश्रधन का अंतर होगा, और CI तथा SI का जो 2 वर्ष का जो अंतर होता है, बहुत बार आपको मैं बता चुका हूँ, R² / 100 होता है, यानी 5² 25 / 100 माने 0.25 होता है। अब बना लीजिए, और क्या, 5000 मूलधन है, इसकी तुलना 100 से, और अंतर निकालना है तो 0.25 से काट दो, 2 शून्य 2 शून्य काटेंगे, 25 125 125, और 2 1 शून्य भी रहेगा और 2 अंक के बाद 10 अंक, यानी एक्चुअल में यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 12.50, यानी 12.5 रुपया। दोनों के परिपक्वता मूल्य में बोलिए चाहे तो ब्याज में बोलिए, अंतर सेम ही होगा, 12.50, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 649, देख लो, कह रहा है एक वस्तु को 15% के लाभ पर 920 में बेचा गया, 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य। सिंपल है भाई, 920 में बेचा तो 15% लाभ, तो इसकी तुलना 115 से, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के, और इसी को यदि क्रय मूल्य पूछता तो 100 से, ये पूछ रहा है 20% लाभ पर पुनः विक्रय मूल्य, तो गुना 120 काट दो, बोले सब 23 से काट रहा है कि 23 चौक 42 40 बार में 23 5 115 8 5 40 फिर 12 8 96, यानी 20% लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य होगा 960 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 650, और आज का लास्ट क्वेश्चन, त्रिगो का सिंपल क्वेश्चन, साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुना कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा, क्लियर है, इसको सरल कीजिए। तो सरल के लिए दिक्कत क्या है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा जो होगा वो हो जाएगा हम लोग का क्या, सीधे इसको बना देते हैं टैन थीटा, और गुना ये हो गया कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा, इसको रहने देते हैं। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान क्या होता है 1, तो ऊपर में बच गया 1 और नीचे बच गया कॉसेक थीटा, 1/cosec θ क्या होता है साइन थीटा, यानी ट्रिगो का बेसिक फॉर्मूला जो 7-8 क्लास में पढ़े वो याद है तो आपका इजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो हम लोग का आंसर होगा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में छोड़ देता हूं, क्योंकि इतना सॉल्यूशन करवा चुका हूं कि बहुत सारे क्वेश्चन बार बार दोहरा रहे, तो स्पीड से जल्दी खत्म करना है इसको 3200 को, प्लस और भी तो आपको रीजनिंग पढ़ना, फिर एडवांस मैथ भी स्टार्ट कर दिए, तो आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, और सभी दोस्तों को प्लीज शेयर करिए। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि लगातार आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।